हे गाइस, दिस इज अ लॉजिकल आर्टिस्ट वीना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने एक्रिलिक पेंटिंग्स के ऊपर कौन कौन से वार्निश को आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि जो एक्रिलिक पेंटिंग का जो वार्निश आता है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं उनके लिए मैं एक सस्ता सा ऑल्टरनेटिव लेकर के आई हूँ, जो कि मैं खुद के भी पेंटिंग्स में मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा खुद का ट्रस्टेड मेथड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस इस वीडियो के द्वारा शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पक्का ऑन कर लीजिए। तो जो सबसे पहला वार्निश है वो है ये लिक्विटेक्स का वार्निश आता है। ये लिक्विटेक्स यहाँ की कंपनी नहीं है, ये आपको अमेज़ॉन पे ही मिलेगा। आप शॉप्स में इसको खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसका ग्लॉस वार्निश भी आता है और इसका मैट इफेक्ट वाला वार्निश भी आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी नहीं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये एक्सपेंसिव बहुत है। ये 237 ml की जो बॉटल है, ये अराउंड 1000 rupees का आता है ये। तो और ये लगता भी ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है। तो ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव तो लगता है, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ये कैमल का जो वार्निश है, ये काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑयल कलर्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक्रिलिक कलर्स के ऊपर भी इस वार्निश को आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने यूज़ किया हुआ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भी काफ़ी पतला होता है, तो आप 2-3 coats लेकर के लगाइए। और ये 100 ml की जो बॉटल है, ये अराउंड 150 rupees का आता है। तो अगर आपकी एक ये साइज़ की इतनी बड़ी पेंटिंग है, तो आप समझिए कि इसमें से ऑलमोस्ट आधा आपको लग जाएगा। तो ये भी एक्सपेंसिव ही है, बट उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि लिक्विटेक्स का एक्सपेंसिव होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्लॉस आपकी पेंटिंग्स के ऊपर दे देता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। अब है वो वार्निश जो आपने मेरे टाइटल में पढ़ा होगा, ये है एशियन पेंट्स का वुड के ऊपर लगाने वाला वार्निश है। ये टच वुड नाम से आता है एशियन पेंट्स का। ये 100 ml का बॉटल अराउंड 81 rupees में आता है। ये काफ़ी थिक रहता है और स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये बिल्कुल भी येलो नहीं करता है। तो ये जो वार्निश है, ये भी मैं काफ़ी दिनों से मेरे पेंटिंग्स में यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ता बहुत है, और ये आपकी पेंटिंग्स में बहुत ही एक अच्छा शाइन लेकर के आता है। और अगर आपने इसका 2 coats, कम से कम 2 thick coats अगर आपने अपनी पेंटिंग्स पे लगाया, तो ये काफ़ी एक मोटा सा प्रोटेक्टिव लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर आपके पेंटिंग्स के ऊपर ले आता है, पेंटिंग्स को येलो भी नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, ये देखिए, ये मैंने साल भर पहले इसको टेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 year हो गया और काफ़ी अच्छा ग्लॉस है, एक स्मूथ सा सरफेस आ जाता है इसके ऊपर इस वार्निश को लगा करके। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है, देखिए बिल्कुल भी, ये मेरे घर में यूं ही रखा हुआ रहता है और मैं इसको सिर्फ एक गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ और बिल्कुल भी पेंट नहीं खराब होता और ना वार्निश खराब होता और ना वार्निश का जो ये स्मूथ सा लेयर है, बहुत ग्लॉसी सा लेयर है, ये लेयर भी नहीं जाता है और बिल्कुल ऐसा ही रहता है, काफ़ी अच्छा शाइन है। तो दोस्तों, जो इस वार्निश की जो शाइन है ना, वो शाइन मुझे किसी और वार्निश में नहीं मिलती है। इसका एक लेयर लगा करके भी काफ़ी शाइनी सरफेस हो जाता है। तो जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले, बिल्कुल सॉफ्ट जो सिंथेटिक हेयर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट वाले, उनसे ही अप्लाई करिए। इसको ही नहीं, आप किसी भी वार्निश को बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले से, ब्रशेस से अप्लाई करिए, तो बिल्कुल उनके लाइंस नहीं दिखाई देंगे। और फिर आप ब्रशेस को साफ करने के लिए एसीटोन यूज़ करिए। एसीटोन मतलब इन जनरल जो हम नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो होता है एसीटोन। एसीटोन में आप इसको डिप करेंगे ना, तो वो वार्निश पूरा निकल जाएगा। और अगर आप डिप नहीं करेंगे एसीटोन में, से साफ नहीं करेंगे, तो आपका ये जो ब्रश है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। कोई भी सोप या वाटर आपके ब्रशेस से वार्निश को छुड़ा नहीं सकता है। वार्निश को छुड़ाने के लिए आपको एसीटोन लगेगा, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर लगता है। एसीटोन का बड़ा सा बॉटल भी अगर आपको चाहिए, तो वो पेंट शॉप्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप भी, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये एशियन पेंट्स का,
टच वुड नाम से ये वार्निश है, ये काफी अच्छा वार्निश है, ये आपकी एक्रिलिक पेंटिंग्स को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। और आप बिना फ्रेम कराए ही इस तरह की पेंटिंग्स जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है, आप अपने घर पर हैंग कर सकते हैं। और जो कलर्स हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं, यूवी रेज, सनलाइट एंड डस्ट से काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप बस एक गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देंगे तो ये बहुत अच्छा साफ हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वार्निश से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब तक मैं कोई नया वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय।